देश और दुनिया में कोरोना का महासंकट जारी है। भारत में कोरोना के मामले 6 लाख को पार कर गए हैं, वहीं दुनिया भर में कोरोना की रफ्तार धीमी होती नजर नहीं आ रही है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि देश और दुनिया में कोरोना का कहर कहां तक पहुंचा है, साथ ही आपको बताएंगे कि देश में कोरोना से जुड़ी खास बातें क्या हैं। नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। भारत में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 6 लाख के पार हो गई है। आज लगातार 6ठे दिन कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। मरीजों के ठीक होने की दर 60% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 6,04,641 है, जिसमें 17,834 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक करीब 3,60,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 19,148 नए मामले सामने आए हैं और 434 लोगों की मौत हो गई है। ICMR के मुताबिक 1 जुलाई तक कुल 90,56,173 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें से 2,29,588 सैंपल कल टेस्ट किए गए हैं। तो ये थे कोरोना के ताज़ा आंकड़े। अब बताते हैं आपको कोरोना से जुड़ी बड़ी बातें। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने 31 जुलाई तक पहले की तरह ही पाबंदियां लागू रखने का फैसला किया है। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा, जो पहले रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू था। गोवा आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब पर्यटकों को गोवा आने की अनुमति नहीं लेनी होगी। राज्य के 250 होटलों को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है और आने वाले पर्यटक इन होटलों में ठहर सकेंगे। कोरोना के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने राज्य बोर्ड की कक्षा 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने कहा कि महामारी के चलते कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में लंबित परीक्षाएं आयोजित करना संभव नहीं है, इसीलिए इन्हें रद्द किया जा रहा है। वैश्विक महामारी के प्रकोप के चलते रूस में काफी लंबे समय से 143 भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, जिनकी आज वतन वापसी हुई है। अनलॉक के दूसरे फेज में दी गई रियायतों के बीच कर्नाटक में केंद्र और राज्य सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से खुल जाएंगे। मुख्य सचिव TM विजय भास्कर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सभी प्रशिक्षण संस्थानों के 15 जुलाई से संचालन की अनुमति दे दी गई है। तो ये तो थी कोरोना से जुड़ी देश की 5 बड़ी बातें। अब आपको बताते हैं दुनिया भर में कोरोना ने कितनी तबाही मचाई है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 1,95,848 मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं अब तक पूरी दुनिया में कोरोना से 1,07,93,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,18,000 के पार पहुंच गई है। अब नजर डालते हैं सबसे प्रभावित देशों पर। अमेरिका में कोरोना का संक्रमण 27,80,000 के करीब, 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में 14,53,000 कोरोना से संक्रमित, 60,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। रूस में संक्रमितों की संख्या 6,54,000 के पार, 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत। UK में 3,13,000 से ज्यादा संक्रमित, 43,906 लोगों की मौत। कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा अमेरिका में अपना कहर बरपा रहा है। देश में भले ही धीरे धीरे सब कुछ खोला जा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमितों में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बताते हैं कि अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और इसी प्रक्रिया में डोनाल्ड ट्रंप ने रैलियां करना भी शुरू कर दिया है। तैयारियां तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी चल रही हैं, लेकिन देखना होगा कि कब तक इसकी वैक्सीन तैयार हो पाती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।